आपका दुबई वाला राजा, आज लेकर आया हूं आपके लिए नई फिल्म शुभ मंगल सावधान का रिव्यू। इस दिल के लड्डू बढ़ गए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, सीमा पाहवा। वायर की लेंथ को छूकर देखो प्यार वाले करंट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आर एस प्रसन्ना ने और इसे प्रोड्यूस किया है आनंद एल राय ने। आनंद एल राय के प्रोडक्शन की तरफ से हमेशा की तरह इस बार भी दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा और ये फिल्म एक तमिल फिल्म जो कि 2013 में रिलीज हुई थी उस फिल्म का ये रीमेक है। डायरेक्टर प्रसन्ना की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने छोटे छोटे सीन को इतने खूबसूरत अंदाज में फिल्माया है जिसमें कि बस आप देखते रह जाएंगे और सिर्फ तालियां पीटेंगे और खुशी से झूम जाएंगे। एक महीने से ताड़ रहे हो आप, फट्टू हैं आप? नहीं जी, शर्मा है गुड़गांव के। इस फिल्म की कहानी आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के छोटे से गांव से शुरू होती है। इनके आपस में प्यार भरे अंदाज और इंगेजमेंट और उसके बाद इनकी शादी। शादी के बीच में इनको पता लगता है कि इसको एक बीमारी है जो कि जेंट्स में ही पाई जाती है। हालांकि पूरी फिल्म में इस बीमारी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को समझ में आ जाता है कि किस बात को कैसे कहा जा रहा है। और इस बीमारी को बताने का जो ढंग है, जो अंदाज है डायरेक्टर प्रसन्ना के, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने इस खूबसूरत अंदाज में इस बात को बताया है जैसे कि चाय में बिस्किट डुबाकर पीते हुए आधा बिस्किट का गिर जाना। तो फिर क्या हुआ है मुदित? कुछ नहीं, जेंट्स प्रॉब्लम है। पर क्या, बताओ तो सही। धीरे धीरे पानी का बहना, मुदित सो गए क्या, या जैसे लास्ट में फिल्म में एक सीन दिखाया है, पानी का फुआरा फाउंटेन यूं उठता हुआ चला जाता है। इस तरीके से छोटे छोटे सीन को बड़े प्यारे अंदाज में शुद्ध और तरीन और ताजे डायलॉगों के साथ। पेरीपोना पापा जी, पेरीपोना छोड़ो, ये जो आधा पोना बचा है ना आपका, वो संभालो आप। इस खूबसूरत अंदाज में प्रसन्ना जी ने फिल्माया है जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। आजकल के लड़कों का ना दिमाग ही खराब है। नहीं, शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। खुद तो आम चूस के निकल जाएंगी और सारा प्रेशर हमारे पे आ जाता है। अली बाबा 40 चोर की कहानी तो मैं समझता हूँ सभी लोग जानते होंगे। इस कहानी का जिक्र हीरोइन और उसकी माँ के बीच में, सीमा पाहवा और भूमि के बीच में होता है। औरत का शरीर रहस्य का खजाना होता है, एक बंद गुफा में रहता है। और ये गुफा कब खुलती है पता है? कोई खुल जा समसम बोलता है मम्मी। नहीं, सुहाग रात वाले दिन खुलती है और 40 चोर के लिए नहीं खुलती, सिर्फ अली बाबा के लिए खुलती है। और अगर अली बाबा गुफा तक पहुंचे ही ना तो? दर्शक इस सीन को देखकर कुर्सियों से जंप लगाना शुरू कर देते। मेरा लौंडा है, उसका कुछ भी नन्हा सा नहीं हो सकता। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आयुष्मान खुराना और भूमि का काम तो बहुत ही जबरदस्त है। दोनों की अभी पिछली दो फिल्में हिट हो चुकी हैं जो आपको पता है, टॉयलेट एक प्रेम कथा भूमि की और बरेली की बर्फी आयुष्मान खुराना की। तो लगता है दोनों के सितारे इस समय बुलंद हैं और दोनों आसमानों पर झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। मुझे आपको ये कहना है कि आप ये फिल्म देखिए, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। और अगर आप उससे स्टार की बात करेंगे तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देना पसंद करूंगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। आपके सामने एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं आपसे विदा लूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।